दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दोस्तों समझेंगे कि बहुत सारे जो है वीडियोस में दिखाया जाता है कि मीटर से सिर्फ आप जो है गाइस फेज ले लीजिए, ठीक है, एल ले लीजिए, यानी ये जो फेज है यहाँ से सिर्फ और सिर्फ फेज ले लीजिए और न्यूट्रल जो है दोस्तों मीटर के अंदर नहीं दिया जाए, ठीक है, यानी हम सिर्फ मीटर से फेज लेंगे और न्यूट्रल हम कहीं और देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा बिजली का जो मीटर है दोस्तों वो रीडिंग कम उठाएगा, यानी यूनिट बिजली का बिल जो दोस्तों वो बचेगा। तो दोस्तों क्या ऐसा सच में पॉसिबल है या फिर नहीं है? क्या अगर दोस्तों हम दोनों कंडीशन चेक करेंगे, पहला कंडीशन जो है दोस्तों हम मीटर से फेज और न्यूट्रल दोनों लेंगे एक ही पोर्ट से, तब हम जो है दोस्तों मीटर का जो है हम आपको जो है लोड चेक करेंगे मीटर में कितना रह रहा है, और दूसरा है दोस्तों हम सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ फेज लेंगे और न्यूट्रल जो है दोस्तों हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, यानी हम मीटर न्यूट्रल जो है दोस्तों हम मीटर के थ्रू यूज़ नहीं करेंगे, तब कितना रीडिंग आता है। और तीसरा जो है दोस्तों हम क्या करेंगे, हम जो है बाईपास से जो है दोस्तों फेज लेंगे यहाँ से सिर्फ, और न्यूट्रल जो है दोस्तों हम मीटर के थ्रू यूज करेंगे, ठीक है। अब समझ गए तीनों स्टेप, तो बारी बारी जो है दोस्तों सारे स्टेप्स को हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस मीटर के ऊपर जो है हमने दोस्तों टेस्टिंग के लिए एक 200 वाट का लोड ले रखा है बल्ब, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि बल्ब को जो है दोस्तों हम नॉर्मल चलाएंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर देखिए इस तरीके से दोस्तों ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल फेज किनारे वाला जो है दोस्तों ये हमारा फेज है, ठीक है, ये इनपुट पॉइंट है, ये आउटपुट पॉइंट है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि नॉर्मली चेक करते हैं मीटर पे। तो ये हमने दोस्तों ऐसे लगा दिया, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं दोस्तों बल्ब जो है वो हमारा ग्लो कर रहा है, 200 वाट का बल्ब अच्छे से जल रहा है, ठीक है। तो अब हम मीटर के अंदर जो है दोस्तों लोड चेक कर लेते हैं एक बार। तो लोड के लिए दोस्तों हमें थोड़ा सा मीटर को दबाना होगा। तो सबसे पहले जो है दोस्तों हमारा वोल्टेज आएगा, देखिए 229 वोल्टेज है, लोड जो है दोस्तों 0.75 एम्पियर है इस वक्त। ये जो तरीका है दोस्तों ये लीगल तरीका है, ठीक है। हम ये नॉर्मली हमारा घर का अंदर का वायरिंग किया हुआ रहता है, मीटर का वायरिंग दोस्तों ऐसे ही होता है, ये इनपुट हो गया, यहाँ से आउटपुट हमने लिया। तो अभी 0.75 जो है दोस्तों एम्पियर है लोड में है, समथिंग इतना लोड चल रहा है। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों कि यहाँ से जो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ से फेज ले रखा है, यहाँ से हमने फेज कनेक्ट किया है, और जो न्यूट्रल है गाइस हम क्या करेंगे कि हम इसमें डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है, दूसरे जगह न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है। न्यूट्रल जो है दोस्तों हमने यहाँ पे क्या किया है कि इस मीटर के थ्रू नहीं ले रखा है, मीटर से हमने जो है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ फेज ले रखा है, न्यूट्रल हमने दोस्तों जो है डायरेक्ट कर दिया है। तो अब हम चेक करते हैं कि सिर्फ और फेज लेने से और न्यूट्रल कहीं और देने से क्या लोड जो है दोस्तों कम हुआ है। पहले का जो दोस्तों वो था हमारा 0.75 था, तो अब हम चेक करेंगे एक बार सेकेंड मेथड पे सिर्फ और सिर्फ फेज लेकर। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे देखिए वोल्टेज है, सेम वोल्टेज है, अब भी जो है दोस्तों लोड जो है 0.75 ही है, ठीक है। कोई भी दोस्तों जो है मीटर के अंदर कोई भी अंतर नहीं आया है कि लोड कम हो जाता है, ठीक है, कोई भी अंतर नहीं है। तो इससे भी बिजली का जो बिल है दोस्तों वो कम नहीं होने वाला है। तीसरा स्टेप हमने बताया था दोस्तों कि हम क्या करेंगे, मीटर से सिर्फ जो है दोस्तों न्यूट्रल लेंगे, यहाँ पर न्यूट्रल लेंगे, और फेज जो है दोस्तों हम डायरेक्ट ले लेंगे यहाँ से इस वाले पॉइंट से फेज। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि फेज ले लेते हैं, इस तरीके से हमने फेज में लगा दिया, ठीक, और न्यूट्रल जो दोस्तों हमने इसमें दिया, ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर जो है इसमें दोस्तों पहले ही जो है दोस्तों फेज ले लिया है यहाँ पर, और न्यूट्रल जो दोस्तों हमने मीटर के थ्रू जो है यूज में लिया ये वाला। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि इस पर जो है दोस्तों मीटर पे कोई लोड है कि नहीं है, क्या दोस्तों ये बिजली का बिल हमारा कम करेगा कि नहीं करेगा। थोड़ा सा हम वेट करते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों वोल्टेज आ गया है, और यहाँ पे दोस्तों जो मैं बता दोस्तों यहाँ पे अर्थ लिख रहा है, ठीक है, अर्थ में दोस्तों कोई भी लोड नहीं है, हाँ सेकंड जो दोस्तों अर्थिंग में दोस्तों हमारा लोड बता रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ अर्थिंग लिख रहा है, यहाँ पर लोड जो दोस्तों अर्थिंग का लोड बता रहा है,
0.75। तो इस कंडीशन में क्या ये मीटर पे दोस्तों लोड उठाएगा कि नहीं उठाएगा, इसके लिए हम दोस्तों थोड़ा सा देखो यहाँ पे अगर हम नोटिस करें दोस्तों, तो ये जो लोड वाला जो दोस्तों जो बल्ब है ये ब्लिंक कर रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों, ये ब्लिंक कर रहा है। यानी इस मेथड से भी हमारा जो बिजली का जो बिल है दोस्तों वो आ सकता है। तो कोई भी जो है दोस्तों मेथड आप अपनाएं, कोई भी आप मेथड अपनाओगे दोस्तों तो बिजली का जो बिल है दोस्तों वो हमारा आना ही आना है, ठीक है। या तो आप मीटर से फेज ले लो, न्यूट्रल इसको मत दो, आप न्यूट्रल कहीं और से ले लो, या तो आप मीटर के अंदर से जो है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल ले लो, फेज कहीं और से आप ले लो, ठीक है। किसी भी हालत में दोस्तों मीटर के ऊपर जो है आपका जो है दोस्तों बिजली का बिल जो दोस्तों आएगा, ठीक है। यदि अगर आप डायरेक्ट कर लेते हो ना इस तरीके से, तो आपका कोई भी बिजली का बिल जो है दोस्तों वो नहीं आएगा, मीटर के ऊपर कोई भी लोड आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, तो मैं डायरेक्ट लगा रखा हूँ इस पर, यहाँ देखिए दोस्तों वोल्टेज आ गया। अब देखिए लोड जो है दोस्तों 0-0 है, कोई भी लोड जो दोस्तों नहीं है, ठीक है। जैसे ही हम इसमें लगाएंगे यहाँ पे देखिए हमारा लोड आ जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ लोड आ गया, यहाँ देखिए लोड आ गया, बल्ब भी हमारा ब्लिंक करने लगा तेजी से दोस्तों। दिस इज ये जो तरीका है दोस्तों मैंने सिर्फ आपको जो है दोस्तों नॉलेज पर्पज से बताया था। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी जो है दोस्तों आपको अपने घर के ऊपर जो है ट्राई नहीं करना है, यह दोस्तों बिल्कुल ही गैर कानूनी काम है, सिर्फ मैंने दोस्तों एजुकेशनल पर्पज़ से ये वीडियोस बनाया था। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर, जिसी के साथ आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे दोस्तों नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अपने भाई को दोस्तों जरूर जरूर सपोर्ट करें, चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई भी अगर दोस्तों जो है डाउट है, कोई भी कमेंट करना चाहते हैं मीटर के रिगार्डिंग चाहे कोई भी, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उस पर कोशिश करेंगे कि वीडियोस बनाने की मदद करें।